तो ये रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वो एक बड़े ही ऊंचे साहित्यकार हैं, लिटरेटी हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय किया है और बहुत हिंदी के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन है, हिंदी भाषा के बढ़ाव के लिए। भी आपकी आ रही है ना 14 सितंबर आएगी आपकी, जब आप हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हिंदी में इनका बहुत नाम है, इन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ये एक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, जान लीजिए, फिर हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है आपने देखा है पात्र, ये एक नाटक है, एक प्ले है जिसको यहाँ पर आपको दिया गया है। इसका नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आप जानते हैं बैकबोन को कहा जाता है किसी भी चीज़ की। देखिए पात्र में है उमा, सुशिक्षित युवती यानी एडुकेटेड वुमेन गर्ल। राम स्वरूप हैं जो उमा के पिता हैं, फादर हैं। प्रेमा है जो उमा की माँ है। शंकर एक युवक है, एक लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और रतन जो है वो राम स्वरूप का नौकर है। तो इतने पात्र इस पाठ में आपके आएंगे। एक कमरा है, जैसे ही कर्टन पर्दा हटता है जो आपको सामने दिखाई देता है स्टेज पे, कि एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए हैं दो शख्स हैं, दो व्यक्ति हैं। एक की पीठ नज़र आ रही है, एक का फेस नज़र आ रहा है और दोनों एक तख्त को, तख्त आप जानते हैं ना वे लकड़ी का एक चार पाई वाला एक पलंग जैसा होता है, लेकिन उसे तख्त कहते हैं क्योंकि उसके नीचे सिर्फ पाए होते हैं और कुछ नहीं होता है। दूसरा सिर सिरा उनके नौकर ने पकड़ा हुआ है, जो शख्स है ये राम स्वरूप है और उनका जो एक सिरा जो है दूसरा साइड जो है तख्त का वो उनके नौकर ने पकड़ा हुआ है और एक साइड उन्होंने पकड़ी हुई है। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, कहते हैं कि अबे धीरे धीरे चल। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे आया ना, ये युगम शब्द है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। युगम शब्द कहते हैं जोड़ शब्द जिसमें हाइफ़न आता है ये बीच में। तो आपको क्वेश्चन आता है पैराग्राफ में कि भाई युगम शब्द बताइए, तो आपको ये युगम शब्द बताने के लिए ये धीरे धीरे आया है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये क्रिया विशेषण अव्यय भी है, ये जो धीरे धीरे है युगम शब्द के साथ साथ ये क्रिया विशेषण अव्यय भी है, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको पैराग्राफ में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि इसमें से अव्यय पहचानिए। अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है, कि तब तख्त जो है उसको मोड़ दे दूसरी तरफ, फिर इतने में आवाज़ आती है कि भाई उन्होंने रख दिया है। रतन बिछा दें साहब, रतन जो नौकर है राम स्वरूप का कहता है भाई बिछा दूँ साहब मैं। राम स्वरूप ज़रा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या। बिछा दूँ साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है। उसने कहा कि भाई बिछा दूँ, पूछने पे वो चिढ़ गए और ऊंची आवाज़ में गुस्से से उन्होंने रिप्लाई किया और कहा कि क्या पागल हो गया क्या, जब खुदा के अक्ल बढ़ रही थी तो कहीं बाहर गया हुआ था या तो देर से पहुँचा था। बिछा दूँ साहब, तो ये पसीना जो हमने बहाया है तख्त लेके बाहर तक आए हैं वो आए किस लिए। रतन तख्त बिछाता है, ही तख्त बिछा देता है और ही हंसता है, साउंड है उसका। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में तो हारमोनियम उठा ला और सितार भी, और जा बीबी जी के कमरे से, अपनी बेटी के कमरे से कह रहे हैं। सुनो नौकर जो होते हैं वो साहब जी और बीबी जी बोलते हैं लोगों को, उनके कमरे से जाके हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे पेटी भी कहा जाता है हिंदी में, उठा ला
सितार भी, सितार भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जल्दी जा, रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, राम स्वरूप और उसकी पत्नी दोनों प्रेमा जो है तख्त पर दरी बिछाते हैं। दरी आप जानते हैं क्या होती है, प्रेमा लेकिन वे तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, कहती है लेकिन जो तुम्हारी लाडली बेटी है उमा वो नाराज पड़ी है, गुस्से में पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ा रहना, मुंह फुलाना मुहावरा है, यानी नाराज होना। राम स्वरूप क्या हुआ, प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, कहता है कि भाई हुआ क्या है आखिर उससे, तो कहती है कि तुमने ही तो कहा था ना उसके ठीक ठाक करके नीचे लाना, यानी सजा संवार के। इससे पता चलता है कि जो लोग आ रहे हैं वो उमा को देखने आ रहे हैं, रिश्ते वाले आ रहे हैं, और जिस रिश्ते से उमा शायद राजी नहीं। राम स्वरूप, अरे हाँ देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, अपनी बेटी को कह देना कि ज़रा सलीके से आए, करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की सदा पढ़ी लिखी ना हो। ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, इनका उठना बैठना बहुत अच्छा है, सम्मेलन सभाओं में जाते हैं, यानी सियासी मामलों में जाते हैं, राजनीतिक मामलों में जाते हैं, और साथ ही साथ पढ़े लिखे लोगों में इनका उठना बैठना है, लेकिन लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहते, कि जो बहू बनाना चाहते हैं जिस लड़की को अपनी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का प्रेमा पूछती है, और लड़का राम स्वरूप बाप शेर है तो लड़का सवा से, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। मैंने कहा कि हाँ बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी बाप से भी अच्छा है शेर होना और सवा शेर होना, यानी कम शेर होना ज़्यादा और सवा शेर होना और ज़्यादा। तो उसने कहा कि भाई ये कॉलेज में पढ़ता है लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है भाई। कहता है कि पढ़ाई अलग चीज़ है, शादी अलग चीज़ है, अब मेरी मजबूरी है, मेरे माता पिता मेरी शादी कर देना चाहते हैं मेरे पढ़ाई के दौरान, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास एक ऑप्शन ही नहीं है कोई कि भाई मैं सिर्फ शादी कर लूँ इसके अलावा। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में भी रतन आवाज़ लगाता है, बाबूजी बाबूजी अपने मालिक को, यानी राम स्वरूप को आवाज़ दे रहे हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वो आ भी गए, तुम उमा को समझा देना थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से, हैं 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 आइए आइए, मतलब कहती है कहता है कि भाई प्रेमा से कहना गाना वाना सुना देगी। रिवाज है कि जब कोई लड़की देखने आता है तो उसे गाना गाने के लिए कहते, चाहे वो भजन गा के सुना दे, तो ये पुराना एक कस्टम था, एक तरीका था, उसकी पहले अलग रीज़न होती थी, अब आजकल क्या रीज़न है वो अलग है, पहले ये रीज़न होती थी कि वो ये सुनना चाहते थे, पूछ नहीं सकते थे ना शर्म में कि भाई लड़की को आवाज़ कैसी है, बोलती कैसा है, इसलिए वो उसको गाने के लिए कहते थे, जिससे उनको उसकी आवाज़ का पता चल जाता था। जैसे मेहमान अंदर आते हैं राम स्वरूप हंसता है, हैं हैं हैं, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, हैं हैं, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई, भाई आवाज़ निकालते हैं हंसने की, हैं हैं करके, कहते हैं आपको कुछ मकान वकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई, यानी वो फर्स्ट टाइम उनके घर आए हैं इसका ये मतलब है। गोपाल प्रसाद खंकार कर, नहीं तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं, कहता है कि भाई खंकार कर, यानी खांसता है और कहता है कि तांगे वाला ये रास्ता जानता था, आपने जो हमें एड्रेस दिया था, जो आपने पता बताया था, ये तांगे वाले को पता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, भी रास्ता क्यों नहीं मिलता हमें, रास्ता मिल गया। राम स्वरूप हैं हैं हैं, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, अरे कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं, तो यहाँ पर वो लड़के की तरफ मुखातिब होकर, तो ये आपके लिए उर्दू का शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, मुखातिब होना, ठीक है ना, यानी उसको संबोधन करना हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में आप कहते हैं किसी को एड्रेस करना, किसी से पूछना, तो लड़के की तरह मुखातिब होकर पूछता है, उसको संबोधित करते हुए पूछता है कि भाई शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं, यानी आप कितने दिन की छुट्टी पर आए हैं। वो होने वाला दामाद है, जो आने वाला लड़का है वो लड़की देखने आया है, जिसका नाम शंकर है,
और उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद है। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। उसने कहा छुट्टियां उट्टियाँ तो नहीं है कॉलेज की, लेकिन वीकेंड में नहीं, सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है आप जानते हैं वीकेंड कहते हैं उसे, उसमें चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, ये आप जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे तो एक साल रह गया होगा। शंकर जी, यही कोई साल दो साल, वो कहता है एक साल, वो कहता है दो साल। तो रामस्वरूप पूछता है साल दो साल, यानी एक साल या दो साल। शंकर हैं 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 जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। कहता है कि भाई दो साल इसलिए कह रहा हूँ कि मार्जिन ले रहा हूँ, यानी फेल हो गया तो, इसलिए वही नहीं कहता है कि एक साल में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वो कहता है एक साल या दो साल, क्योंकि मैं इसको पहले ही मार्जिन लेके चल रहा हूँ। गोपाल प्रसाद, आपकी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। गोपाल दास अब अपनी स्वर को चेंज कर देता है और कहता है कि चलो भाई बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए पहले। तो चौंक जाता है राम स्वरूप, भाई बिजनेस व्यापार, किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, फिर समझ जाता है कि वो दान दहेज की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं। कहता है हाँ हाँ ठीक है, सब बात हो जाएगी, लेकिन पहले आप नाश्ता कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। देखिए बहुत सारे इसमें उर्दू के शब्द आ रहे हैं, जैसे ऊपर मुखातिब आया है, यहाँ ये तकल्लुफ़ आया है। तो जो आपके पैसेजेस आते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें आए हैं उर्दू भाषा के शब्द बताइए, या कभी पूछता है अंग्रेज़ी भाषा के शब्द बताइए। तो आप याद रखें तकल्लुफ़, तो कहते हैं भाई ये क्या आप तकल्लुफ़ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये क्यों आप मतलब ये सब किया, मतलब आपने नाश्ता वाश्ता लगाया, तकल्लुफ़ किया बेकार का। राम स्वरूप हैं, तकल्लुफ़ किस बात का, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, अंदर जाते हैं। कहते हैं कि भाई इसमें तकलीफ वकलीफ की कोई बात नहीं है, तो मेरी बहुत खुशनसीबी है कि आप मेरे घर पधारे, मेरे घर आए, यहाँ पे तशरीफ़ लाया है, यानी आए पहुँचे, आप मेरे घर पधारे हैं, आप मेरे घर आए हैं, ये मेरे लिए, तो तशरीफ़ लाना कहते हैं उसे। उर्दू का शब्द है देखिए ये भी। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ, ये अपने बेटे से पूछता है क्या हुआ। शंकर कुछ नहीं, शंकर कहता है भाई कोई बात नहीं, झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की वो बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। भाई बाप, जैसे रामस्वरूप चला जाता है तो बाप बेटे को देखता है, वो देखता है कि उसका बेटा झुका हुआ बैठा है, तो कहता है भाई क्यों बैठे हुए हो झुके हुए, सीधे होकर बैठो, शादी की बात तय करने आए हो, कमर सीधी रखो। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं, तुम्हारी बैकबोन वो बात पूरी नहीं कर पाता है यहाँ पे। इतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर आ जाते हैं, इसलिए वो पूरी बात अधूरी रह गई यहाँ पे। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं, गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं, आपने चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया, जबकि वो कहता है कि सबकी कोई ज़रूरत नहीं, वे रिश्ते के लिए आए हैं, डायरेक्ट रिश्ते की बात करते हैं, लेन देन की, बिजनेस की बात करते हैं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। कहता है भाई चाय को प्याले में उंडेलते हुए, कप में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी पसंद है। यह हिंदुस्तानी पूछता है, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। शंकर हाँ खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। बेटा खंखारना होता है, आवाज़ निकलते हैं, मतलब बात करने के पहले जो आप इस तरह से आवाज़ करते हैं और फिर बात करते हैं। तो कहता है कि भाई सरकार सुना है ज़्यादा चीनी डालने लेने वालों पर सरकार जो है वो पाबंदी लगाने वाली है। कहता है कि सुना है कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, जो लोग ज़्यादा शक्कर खरीदेंगे इस्तेमाल करेंगे उन पर सरकार टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जी चाहे सो कर ले, पर अगर
आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। कहता है कि भाई अगर आमदनी करनी है सरकार को तो कर ले, लेकिन अब तो टैक्स एक ही लगाना है सरकार को। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वो क्या भाई, रामस्वरूप शंकर को प्याला देता है चाय का और पूछता है वो कौन सा टैक्स है जो सरकार को लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स, यानी ब्यूटी पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। ये बात सुन के रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब के देने वाले चूं भी ना करेंगे। कहता है कि भाई ये ऐसा टैक्स है जो जिसको भरना है ना ब्यूटी टैक्स, वो ज़रूर भरेगा, चूं भी नहीं करेगा, यानी आवाज़ ही नहीं निकालेगा। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। क्योंकि वाह वाह आपने तो बिल्कुल सही सोचा, खूबसूरती का सवाल तो अब बेढब हो गया है, यानी अजीब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। कहते हैं कि भाई आप सच में कह रहे हैं। रामस्वरूप कहता है कि आजकल ब्यूटी का भी सवाल हो गया, हमारे ज़माने में तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं, खूबसूरती कोई मैटर ही नहीं करती थी। तश्तरी यानी प्लेट, ये भी देखिए तश्तरी भी उर्दू का शब्द है आपके लिए। तश्तरी प्लेट गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, यानी उनको खाने की जो चीज़ है प्लेट में वो आगे देते हुए। शंकर जी, रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, कभी नहीं समोसा उठा लेते हैं अपनी प्लेट में। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। अब रामस्वरूप लड़के से पूछता है कि भाई आपका क्या कहना है इस बारे में। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। कहता है कि भाई हाँ यही बात जो हम कर रहे हैं कि जब किसी की शादी तय होती है तो उसमें ब्यूटी कितना मैटर करती है, ब्यूटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या हिस्सा है, कितनी देखना चाहिए खूबसूरती को। गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का सूरत खूबसूरत होना नहायत ज़रूरी है, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। उसने कहा कि भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का ब्यूटी फुल होना ज़रूरी है। जैसे उसका लड़की का बाप कहता है कि भाई खूबसूरती कितनी मैटर करती है, उस पर वो कहता है कि भाई खूबसूरती में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और उसके पास जन्म पत्र भी होनी चाहिए, जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा जिससे उसकी एज का पता चल सके। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख। और यहाँ पे जन्म पत्र का मतलब वो भी है, और जन्म पत्र जो नक्षत्र बनते हैं ना, मतलब जिससे कुंडली मिलाना कहते हैं हिंदूज में, कि एक दूसरे की कुंडली मिलाते हैं कि इनके कितने गुण आपस में लड़के लड़की के मिलते हैं, तो टोटल गुण जो होते हैं वो 36 होते हैं, 36 होते हैं, उनका मिलना ज़रूरी, तो उसमें से कितने मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं। तो कहता है रामस्वरूप के भाई जायचा मिलने, ये उसमें कुंडली मिलाना जायचा मिलाने में कौन सी बड़ी बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दें, दिया बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए, यानी भगवान के चरणों में, ठाकुर जी यहाँ पे भगवान को, के भगवान के चरणों में आप रख दीजिए खुद ब खुद मिल जाएगा। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई बुराई कर लें बस। कहता है मैं नहीं चाहता कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, बस सिलाई वगैरह कर लें बस इतना ही बहुत है। रामस्वरूप जी हैं मैं इसको एक तरफ सरकाते सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़ोर ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना आप, पान की तश्तरी अपने पिता को, उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उड़ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, अब उमा आ गई है, उसने कहा ज़रा पान भेज देना, इस बहाने से लड़की को बाहर बुलाया है। अब वो लड़की आती है पान देती है, जब देती है घूंघट तो उसने किया हुआ है लेकिन तब भी उसका चेहरा दिख जाता है और उस पर चश्मा नज़र आ जाता है कि लड़की चश्मा लगाती है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ
दोनों एक साथ कहते हैं चश्मा, मतलब लड़की ने चश्मा पहना हुआ है। राम स्वरूप जरा सक पका कर थोड़ा घबरा जाता है, जी वे पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा इसकी आंखों में दर्द था, इसकी आंखें दुख गई थी, इसलिए कुछ दिन के लिए चश्मा लगाए। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगाना, वो पहले पूछते कि भाई पढ़ने वढ़ने की वजह से तो नहीं लगता है, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि किसी को चश्मा लग जाता था तो लोग उससे आंखों की कमज़ोरी नहीं मानते थे, बस सोचते थे पढ़ने में बड़ा अच्छा है, यानी किसी बंदे के चश्मा लगा हुआ है वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान, यानी अच्छे पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट होने की निशानी होता था चश्मा लगाना। राम स्वरूप नहीं साहब वे तो मैंने अर्ज़ किया ना। राम स्वरूप कहता है नहीं नहीं मैंने तो आपको बताया ये कि पढ़ने की वजह से नहीं बल्कि आँखें दुखने की वजह से, इसकी आँखें कमज़ोर हो गई थी, दर्द था उसकी वजह से कुछ समय के लिए लगाए। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी, सेटिस्फेक्शन हो जाती है उसको, और वो फिर उससे बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है बेटी बैठो। राम स्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है, अलग बैठ जाओ उस बाजे बाजे के पास, यानी जहाँ पे उसने हारमोनियम रखा है ताकि उमा गाना सुना सके। गोपाल प्रसाद चाल तुम में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। गोपाल प्रसाद कहते भाई लड़की की चाल भी ख़राब नहीं है, क्योंकि चल के आई है, मतलब नंगड़ी वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, और चेहरे पर भी अच्छा छवि है, यानी चेहरा भी अच्छा है, चलो कुछ गाना बजाना आता है। राम स्वरूप जी हाँ सितार भी और बाजा भी सुनाओ तो उमा एक आध गीत। कहता हाँ मेरी बेटी को सितार बजाना भी आता है और बाजा बजाना भी आता है, तब वो कहता है कि भाई सुनाओ एक गीत सुना दूँ सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरो तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आँख शंकर की झेपती सी आँखों से मिल जाती है और वे गाते गाते एक साथ रुक जाती है। जैसे ही वो गाना शुरू करती है अचानक उसकी आँखें शंकर को देखती हैं और शंकर उससे थोड़ा झेप रहा होता है, छुप रहा होता है, हेजिटेट हो रहा होता है, तब वो समझ जाती है कि ज़रूर कोई बात है और अचानक वो गाते गाते रुक जाती है। राम स्वरूप क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। अरे भाई क्या हुआ, गाना क्यों बीच में छोड़ दिया, पूरा करो। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है। उसने कहा नहीं नहीं साहब बहुत है, गाना अच्छा गाया, आपकी बेटी गाना अच्छा गाती है, ऐसी कोई बात नहीं। उमा सितार रख अंदर जाने को बढ़ती है, उमा सितार रख देती है और कमरे में जाने लगती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी, अभी रुक जाओ बेटी। राम स्वरूप थोड़ा और बैठे रहो उमा, उमा बैठती है, कहता है भाई राम स्वरूप के थोड़ा ठहरो उमा, और उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, उमा चुप। गोपाल दास पूछता है कि भाई तुमने पेंटिंग वेंटिंग करना कुछ सीखा है, तो गोपाल दास के पूछता है जब, तो वो उमा चुप रहती है, जवाब नहीं देती। राम स्वरूप उसका पिता ही बीच में जवाब देता है, हाँ वे तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीरें टंगी हुई हैं कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वे उस दीवार पर भी। उसने कहा हाँ मैं तो आपको बताना भूल गया, देखो जो तस्वीरें हैं, ये कुत्ते वाली तस्वीर देखो और जो दीवार पे दूसरी दीवार पे तस्वीरें टंगी हैं, सब मेरी बेटी ने बनाई है। गोपाल प्रसाद ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, मैं गोपाल दास ने पूछा तो बहुत अच्छी बात है, बताइए सिलाई वगैरह कैसे चल रही है। राम स्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी हैं। उसने कहा हाँ सिलाई तो मेरी बेटी ही करती है, और जो मेरी यहाँ तक है मेरी कमीज़ें भी यही सीती, यानी मेरी शर्ट्स भी यही सीती है। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उस पूछता है कि भाई हाँ बताओ कुछ, कभी तुम्हें इनाम विनाम मिले पेंटिंग में या गाने में या किसी भी एक्टिविटी में। उमा चुप, राम स्वरूप इशारे के लिए खाते हैं लेकिन उमा चुप है, उसे तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। गोपाल दास
उमा चुप बैठी है। गोपाल दास जो है वो उठने के लिए तैयार है जाने के लिए, और रामस्वरूप जो है वो बेचारा सकपका जाता है थोड़ा सा कि मतलब अचानक से बेटी चुप है, शायद वो नाराज़ होकर तो नहीं जा रहे हैं वहाँ से। रामस्वरूप जवाब दो उमा गोपाल से, हैं ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने, वो कहते हैं कि हाँ भाई मेरी बेटी ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं। गोपाल प्रसाद ज़रा रुखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। वो कहता है कि तुम ही बोले जा रहे हो भाई, तुम्हारी बेटी को भी तो थोड़ा मुँह खोलने दो, वो भी तो कुछ बोले। तब वो कहता है कि भाई देखो इसे भी मुँह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी। भाई उमा से जब कहते हैं कि बोलो जवाब दो, तो कहती भाई मैं क्या जवाब दूँ, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ख़रीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना कहती है कि भाई जैसे कुर्सी मेज़ टेबल चेयर कोई ख़रीदने आता है तो वो दुकानदार से पूछता नहीं है, दुकानदार अपनी मेज़ और कुर्सी से कि तुम्हें बिकना है क्या नहीं बिकना है, वो तो बेच देता है। तो यानी हाँ बेटियों का भी यही है कि बेटियों से पूछा ही नहीं जाता है, भाई जहाँ से रिश्ता आता है माँ बाप को पसंद आता है कर देते हैं बिल्कुल, यानी हमारी मिसाल जो है वो उस टेबल कुर्सी की तरह है, वो कहती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। रामस्वरूप चौंक जाता है कि बेटी इस तरह से ज़बान खोल रही है, तो उसको आवाज़ देता है कि भाई उमा उमा, तो उमा कहती नहीं अब तो मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, इज्जत उतारना यानी बेइज्जती करना। उमा तेज़ आवाज़ में, जी हाँ और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। उसने कहा हाँ ठीक है आपकी बेइज्जती हो रही है, तो हमारी नहीं होती जो आप नाप तोल कर रहे हैं, नहीं जो बिज़नेस की बातें कर रहे हैं, वो जो लेन देन की बात करना चाह रहे हैं उसको, उसने कहा। शंकर बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप भाई शंकर कहता है चलो बाबूजी यानी पिताजी यहाँ से चलिए, इंसल्ट हो रही है ना उनकी। तो गोपाल प्रसाद पूछता है क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में तांग झांक कर कायरता दिखाई है, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है। उसने कहा कि हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, और कोई पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया मैंने, और आपके बेटे की तरह नहीं कि जो गर्ल्स हॉस्टल्स में ताक झांक करता है और कायरता दिखाता है, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़ कर अपना मुँह छिपा कर भागे थे। उसने कहा ज़रा मेरे तो छोड़िए, अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह उसने माफ़ी मांगी थी गर्ल्स हॉस्टल में जब वो गए था या जो भी था। रामस्वरूप उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, कहते हैं कि भाई बाबू रामस्वरूप आपने मेरे साथ धोखा किया, जब हमने आपसे कहा था कि हमें लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए तो आपने मुझे कहा था कि आपकी बेटी मैट्रिक है, यानी जो 10th क्लास होता है ना SSC जैसे आज होता है, ऐसे पहले मैट्रिक होता था। उसने कहा आपने मुझे मैट्रिक पास बताया था। और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हूँ, मां जी हाँ जाइए ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। और पीछे से चिल्लाती कि हाँ हाँ जाओ और जाके नाकाम देखो और जाके ये भी पता लगा लो कि आपके बेटे की बैकबोन है या नहीं है, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं ना कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुला सापन दोनों बाहर चले जाते हैं।
उमा सहसा चुप हो जाती है। वे दोनों बाप बेटे चले जाते हैं। बाप बेबस है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता, गुस्सा में भी है, और बेटा जो है वो बिल्कुल रोने ही वाला है, इतनी बेइज्जती हो गई है उसकी। और दोनों बाहर चले जाते हैं, उमा फौरन चुप हो जाती है। भोर का तारा एकांकी संग्रहालय से लिया गया है, रीढ़ की हड्डी। और इस पार्ट को बड़ा आसान है आपके लिए, आप इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जो पैसेजेस हैं उनको करिए, उसमें जो प्रॉब्लम है वो आप पूछिए।